नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। मैंने अभी इस वीकेंड में एक दो स्टॉक आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था, मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि गांव गया हुआ था और अभी इवनिंग में आया हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ा डिले हुआ है। तो अभी एक स्टॉक के बारे में डिटेल थोड़ा सा मैं बात करूंगा वीडियो के एंड में, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी ना साइडवेज में मूवमेंट कर रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल, इसी के अंदर अभी साइडवेज रह सकता है। लेकिन जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा या इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, इतना बड़ा जो रेंज है, इसका रेंज का हमें टारगेट अप साइड या डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि बजट रैली का मूवमेंट इसमें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा उम्मीद एक बड़ा अपर साइड का मोमेंट की मैं कर रहा हूँ अगर ये निकल जाएगा तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो साइडवेज रहा, निफ्टी थोड़ा सा जिस पैटर्न में चल रहा था, एक लोअर लेवल से एक चैनल बना हुआ था, मैं लास्ट डे शेयर किया था, इस चैनल का लास्ट डे ब्रेकडाउन हो गया था तो फिर मैं इसमें हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट ड्रॉ कर दिया हूँ। लेकिन ये सपोर्ट थोड़ा मुझे लगता है और नीचे आएगा, इस भाव के आसपास सपोर्ट आना चाहिए। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में इस स्विंग हाई का मैं सपोर्ट ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। तो जैसे लो कटेगा फिर लोअर लेवल से रिवर्स कर सकता है, जैसे लास्ट हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सपोर्ट लाइन को नीचे ड्रॉ किया हूँ। और इसी तरीके से फिनेंस निफ्टी भी है, तो फिनेंस निफ्टी में भी हालांकि फिनेंस निफ्टी का लेवल काफ़ी नीचे है, तो मैं इतना नीचे भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि एक दिन के बाद फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी आ जाएगा। तो अगर इसी रेंज में रहेगा तो इसमें 23,000 का कोई आयरन कंडोर या फिर बटरफ्लाई जैसा प्लान करेंगे। देखिए, बटरफ्लाई में ना पैसा मिल नहीं रहा है, अभी मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, बटरफ्लाई में मेरे लेवल से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे ही क्लोजिंग आ रहा है, इसके वजह से प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। ओके, और लास्ट डे का ट्रेड तो बहुत ही खराब था मेरा और इसमें इस मंथ का पूरा प्रॉफिट चला गया क्योंकि लास्ट डे जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड रहा मेरे लिए। मैं एक बार ओवरनाइट में ही पोजीशन बना के गया था, फिर पोजीशन कट करके मैं फिर इस रेंज का पोजीशन बनाया 500 का, इसके बाद बाजार नीचे आ गया, फिर इसी कंडीशन में वापस गया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में पुट शॉर्ट किया था, दो ही कैंडल में आई स्टॉपस लगा, फिर ऊपर चला गया। तो इसमें ना काफ़ी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने के कारण मेरा इसमें 2-3 बार स्टॉपस लगा और बड़े बड़े क्वांटिटी में स्टॉपस लगा, तो इसने पूरा प्रॉफिट ही मेरा ले लिया है। अब देखते हैं 2-4 दिन बाकी इसमें क्या हो सकता है, तो जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, मतलब नुकसान, प्रॉफिट की तो उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। कल मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी फ्रेंड्स और 12,150 का रेंज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए कंटिन्यू में मूवमेंट किया हुआ था, ठीक है, और जिस तरीके कल क्लोजिंग आया है, देखिए अभी शॉर्ट है इसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइड वेज में जा सकता है। अगर ये साइड वेज में जाएगा तो हमारे लिए एक बढ़िया ट्रेड प्लान हो सकता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मिड कैप निफ्टी में आपको ट्रेड प्लान करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इस तरीके से रेंज बना हुआ है, ठीक है, एक बार इस भाव के आसपास से सपोर्ट लेके इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है कल के दिन पे, और इसका एक रेंज है 12,150। एक तो मॉर्निंग में आप इसमें एक स्ट्रगल बना सकते हैं, सुबह सुबह अच्छा खासा प्रीमियम गिरता है अगर आप इसमें प्लान करें तो मुझे लगता है 12,150 का एक स्ट्रगल भी बनाया जा सकता है स्टॉप लॉस डाल के। सपोज करो अगर 50-50 का प्रीमियम है, ठीक है, तो अगर ये 12,150 में ओपन हो रहा है तो इसमें 80-80 का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, तो एक ठीक ठाक गेन मिल जाएगा। इसके बाद उसको जब गेन मिल जाए फिर उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दें तो वो ट्रेड भी आपका अच्छा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 12,150 के आसपास कल इसकी एक्सपायरी आए, ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान हम लोग इंट्राडे में कर सकते हैं। एक ट्रेड प्लान मैं ऑलरेडी किया हूँ, जितने लोग लाइव ट्रेड करते हैं मेरे साथ, 12,200 का मैं इसमें एक बटरफ्लाई बना के गया हूँ, और इसलिए क्योंकि एवरीडे गैप अप खुलता है, तो मॉर्निंग में एक बार मैं कट करूंगा क्योंकि मॉर्निंग में एक बार मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है, इसके बाद दिन में धीरे धीरे करके कम हो जाता है, स्टॉप लॉस लग जाता है या फिर मेरे रेंज के नीचे क्लोजिंग दे देता है। ओपन तो मेरे भाव में अच्छा होता है मार्केट, क्योंकि आजकल देखेंगे ऑलरेडी बाजार ऊपर ओपन होता है। लास्ट भी मैं इसमें 12,300 का ट्रेड बना के गया था, 240 तक गया, फिर वापस आ गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर, तो इसका वैसे मूवमेंट नहीं मिलता है कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट आता रहे, ठीक है। तो मॉर्निंग में एक बार इसमें ठीक ठाक गेन मिला था तो मैं एक बार कट कर लिया, इसके बाद सेंसेक्स का ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस लगा। तो
तो सुबह सुबह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 12,200 के आसपास ओपन होगा। इसके बाद यहाँ से, क्योंकि खुल के सीधा नीचे आ जाता है, अगर 200 के ऊपर चला गया तो शायद ये 400 की तरफ चले जाए, बट मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अभी जो चैनल बना, माफ करो, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस लेके मॉर्निंग में एक बार नीचे आ सकता है, तो इसी रेंज में जा सकता है। तो अगर एक बार 12,200 के आसपास ओपन हो, चांस मिले तो एक बार कॉल सेल किया जा सकता है। 12,100 का सेल कर सकते हैं या फिर 150 का सेल कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो फिर पुट सेल कर दें, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो स्ट्रगल ना बना के पहले कॉल सेल का प्लान करें, नीचे आ जाए तो पुट सेल का प्लान करें। दोनों में थीटा डी के मिल जाए तो 12,150 का आप बटरफ्लाई में या फिर आयरन का डोरमेट ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा रहेगा मिड कैप निफ्टी में कल के लिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में एक, इसमें ना अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का चैनल चल रहा है, हो सकता है कि अभी एक दो दिन और टाइम स्पेंड कर दे, लेकिन जिस दिन इस रेंज का ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर जाएगा, हमको एक ठीक ठाक गेन मिल सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 700-800 पॉइंट का रेंज अपर साइड और लोअर साइड मिलेगा। तो अगर सपोज करो फ्रेंड्स कि ये 51,900, इसका मतलब 52,000, 52,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो मैं 53,000 का ट्रेड प्लान करूंगा, और अगर ये नीचे ब्रेक डाउन किया तो फिर डाउन साइड है 50,000 की तरफ का ट्रेड प्लान हो सकता है हमारा। मैं लास्ट डे एक पॉइंट आपको शेयर किया था 5 मिनट के चार्ट में, कि अगर ये ऊपर की तरफ हमको ट्रेड प्लान करना है, जैसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा था, तो मैंने बताया था कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग इसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर सुबह नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट न करके इस 200 EMA से इसमें एक ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान हम लोग करेंगे। कंटिन्यूएशन में नहीं हुआ लेकिन ये बहुत नीचे भी नहीं आया है, ओके। तो अगर यहाँ से बुलिश पोजिशन बना है बहुत बढ़िया, कल फिर से अगर ये 11,000 माफ करो 51,150 के आसपास आता है तो यहाँ से हम लोग फिर से इसमें बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एकदम बॉटम में ट्रेड रहेगा, उम्मीद करें कि सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। तो इस भाव से अगर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं 53,000 की तरफ का, तो ट्रेड बहुत बढ़िया हो सकता है एक्सपायरी को ध्यान में रख के, ठीक है। तो अगर ये 51,000 के आसपास मिलता है अपने को, तो मैं ट्रेड बनाऊंगा 53,000 का ITM पुट सेल करूंगा, ठीक है, और ATM का मैं बाई करूंगा, ठीक है। मतलब बुल पुट स्प्रेड का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा ट्रेड इसमें बन सकता है कि 51,000 माफ करो 51,500 का हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ का एक कोई कोई कॉल हम लोग सेल कर सकते हैं, सपोज करो हम लोग 52,000 का सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, राइट। इसमें प्रॉफिट आपका लॉक हो जाएगा, राइट। तो मतलब इसमें प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, इसमें प्रॉफिट आपको कम मिलेगा, लेकिन दोनों में रिस्क देखेंगे ना तो रिस्क लगभग बराबर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें स्प्रेड बनाने का आइडिया आपको पता है तो एक इसमें स्प्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन बॉटम से बनाएं। बट अगर 51,000 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो ट्रेड को क्लोज करके चले जाएं, जो भी 1,000-1,500 रुपये लॉस होगा पर लॉट, उतना भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। 200-300 ज़्यादा लॉस होगा नहीं ITM में ट्रेड प्लान करेंगे तो, पर लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ट्रेड भी इसमें बनाया जा सकता है। तो मैं प्लान करूंगा बॉटम से, ब्रेकआउट करेगा तो नो डाउट उसमें क्वांटिटी हम लोग ऐड कर लेंगे। सपोज करो कि ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है 52,000 के ऊपर, तो क्वांटिटी प्लस करके चले जाएंगे। बट एक दो दिन अगर और ये साइडवेज हो जाता है तो फिर आपके लिए ट्रेड बढ़िया अच्छा हो सकता है हायर साइड के लिए। एक मोमेंटम मुझे लगता है बाजार अपर साइड में देने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, नजर रखिएगा बैंक निफ्टी में साइडवेज हो रहा है और वीकली इनसाइड का ब्रेकआउट भी है हायर साइड में, तो अभी इसमें हायर साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। नो डाउट एक्सट्रीम ओवरबॉट में है मार्केट, हर किसी को लगता है बाजार गिरेगा, लेकिन गिरता कहाँ है, जैसे गिरता है उसी कंडीशन में वापस चले जाता है। उम्मीद तो कर रहे हैं कि गिर जाए, जिस दिन गिर गया ना तो पूरी भरपाई करेगा, और जब नीचे गिरेगा तभी हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, उससे पहले बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो जितना भी अभी मिल रहा है वो कम से कम प्लान कर लें अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना ही है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स, ये है हमारा निफ्टी का। तो मैं कहूँगा निफ्टी को कल अवॉइड करिए, 23,500 के आसपास है, निफ्टी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा सेटअप नहीं है इसका निफ्टी का, तो मैं निफ्टी को अवॉइड करना प्रीफर करूँगा। और मिड कैप निफ्टी, सॉरी फिनेंस निफ्टी में, फिनेंस निफ्टी भी जिस तरीके से मैं बैंक निफ्टी में बात किया, अगर ये नीचे मिलता है 22,800 के आसपास तो इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर ये 23,000 के आसपास ही ऊपर नीचे घूम के क्लोजिंग दिया तो फिर मैं ओवरनाइट में इसमें आयरन कंडोर ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। इस दोनों साइड का मैं कॉल, दोनों कॉल पुट को सेल करूंगा और 100 पॉइंट स्ट्राइक ऊपर नीचे का कॉल पुट मैं बाई कर लूंगा। इस ट्रेड को मैं कैरी करूंगा ओवरनाइट में, अगर कल ऐसा ट्रेड रहता है तो मैं फिर इवनिंग में भी शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। हालांकि इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता नहीं है तो लोग इसको प्लान करते नहीं है, तो मैं मैसेज में भी लिख दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स, ठीक है, नजर रखिएगा। चलिए तो ये व्यू रहेगा हमारा ओवरऑल। थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट में एक पॉइंट और शेयर करूंगा कि देखिए बाजार नो डाउट फिर एक बार बोलूंगा कि ओवरबॉट में है, बाजार नीचे आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। तो नीचे आना चाहिए
अगर नीचे की हम उम्मीद करते हैं तो हमें कोई नीचे का पैटर्न मिलना चाहिए। जैसे मैं अक्सर पहले भी मैं बात करता था, लेकिन ये तो इस साल अपने को मिला नहीं, लेकिन जब भी इनसाइड पैटर्न बनेगा तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए। सपोज करो यहाँ पर इनसाइड पैटर्न बन के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए, या फिर जहाँ पर बाजार अभी ट्रेड करा 1-1.5 सप्ताह यहीं ट्रेड करके फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो फिर हमको ट्रेड मिल जाएगा। तो अगर बाजार नीचे गिरेगा भी तो वहाँ पर 1-1.5 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम लगेगा, उससे पहले बहुत बाजार मतलब बाजार में बहुत बड़ा फॉल होगा नहीं। तो इनसाइड पैटर्न बनेगा इस तरीके से, जैसे लास्ट ईयर बनता था तो हमको ट्रेड बहुत अच्छा मिलता था, ठीक है। इस साल अभी नहीं बनेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इनसाइड पैटर्न बन जाए नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर लो, अदरवाइज अभी इनसाइड पैटर्न में ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करे तो फिर हमें अपर साइड का ही ट्रेड प्लान इसमें करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी मिड कैप निफ्टी के ऊपर व्यू। चलिए कि स्टॉक आपको शेयर करता हूँ, नाम है टाटा टेक, मेरा फेवरेट स्टॉक है और मैं इस स्टॉक को बहुत पहले से बाई कर रहा हूँ। मैं लगभग 1200 के आसपास से बाई कर रहा हूँ, 1000 से नीचे ये जा चुका है। मेरा व्यू था कि 1000 के नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, क्योंकि इस स्टॉक को मैं ग्रे मार्केट मिला था 1050 में, मेरे पास अभी भी है 1050 में, और धीरे धीरे अब इसको और एकुमुलेट में कर रहा हूँ। देखिए अभी दिमाग में आएगा एक प्रश्न आप लोगों का कि सर कितना और कब तक होल्ड करेंगे, पता चले नीचे गिरता चला जाएगा। हाँ, जिस स्टॉक में बहुत लंबा होल्ड करने की हमारी जो व्यू रहती है, अगर उसमें है कंपनी अच्छी है ग्रुप अच्छी है, तो मुझे लगता है कि एक तो आईपीओ में ना 200% ऊपर लिस्ट हुआ था, इस वजह से भी ये नीचे आ रहे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी ये नीचे है, लेकिन ये जैसे रिवर्स करेगा बहुत अच्छा मतलब अपर साइड मूवमेंट करेगा। तो अभी एक्युमुलेशन कैसे करना है, देखो सबसे बढ़िया आइडिया क्या होता है कि जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक होते हैं जब वो गिरावट के बाद इनसाइड पैटर्न बनते हैं फिर बाई करते हैं, जैसे यहाँ पर इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट किया था इसी लेवल से हम बाई कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ धीरे धीरे नीचे आ गया है। तो ऐसे देखेंगे तो एक तरीके से स्टॉप लॉस से हिट हो चुका है और अब कहीं पर इनसाइड पैटर्न बन नहीं रहा है। तो जिस दिन इनसाइड पैटर्न बन जाएगा उस दिन मैं इसमें क्वांटिटी बड़ा फिर ऐड करूंगा। देखिए इस स्टॉक में 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख का है, 6-6.5 लाख के आसपास का है, ज़्यादा भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे 3-4 डीमेट है सब में 50,000-60,000 का है और ज़्यादा वाले डीमेट में लगभग 6 लाख का है। तो ऐसे करके मेरे पास इसमें काफ़ी अच्छा होल्डिंग है, मैं थोड़ा सा और इसमें होल्डिंग बढ़ाना चाहता हूँ। और एकमात्र स्टॉक है जिसमें मेरा सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अभी है, बाकी जियो में है, इसके बाद म्यूचुअल फंड में है, अदरवाइज स्टॉक में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और यही अभी सबसे कम रिटर्न दिए हैं। तो अभी तक का मेरे स्टॉक में लगभग 700-800% की रिटर्न है, ये स्टॉक अभी 22-23% का नुकसान है मेरा चल रहा है। तो मैं जो आइडिया अभी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक तो अभी यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा सपोर्ट है, तो लोगों को लगता है एक सपोर्ट है, मे बी कल यहाँ से ऊपर चले जाए, लेकिन ये जब जब अब रेड कैंडल दे रहा है ना, इसमें आप उस दिन आप एक एक स्टॉक बाई करते रहो एसआईपी की जैसे, लेकिन ग्रीन कैंडल आए उस दिन बाई नहीं करना। तो सपोज करो कि अभी स्टॉक अगर इसमें आपका व्यू लंबा है, सपोज करो कि स्टॉक धीरे धीरे रेड कैंडल बनाते 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 नीचे जा रहे, किसी भाव से रिवर्सल आएगा, अगर इसमें रिवर्सल आना है एक एक क्वांटिटी, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वांटिटी में बाई करूँ जिस दिन रेड कैंडल बने, जिस दिन 5% या 10% का ग्रीन कैंडल मारेगा एक दिन में प्रॉफिट में आएंगे, एक ही दिन प्रॉफिट में आएंगे। अभी मैं 22% नुकसान में हूँ, आई थिंक ओवरऑल 22% समथिंग होगा या 18% जो भी, मैं आप लोगों को जिस दिन अपर साइड जाएगा ना, ये जिस दिन 1150 के ऊपर जाएगा मैं उसी दिन प्रॉफिट में आ जाऊंगा, मैं ऑलमोस्ट उसी दिन प्रॉफिट में आऊंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके इधर ऐड कर रहा हूँ, या इधर इनसाइड पैटर्न बन जाएगा तो मैं बड़े क्वांटिटी में इसको ऐड कर लूंगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो धीरे धीरे ऐड करते रहिए, मैं तो बहुत पहले से बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरे बताए हुए स्टॉक को और भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसमें अच्छा रिटर्न मिला होगा, इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जिस दिन निकलेगा यकीन करिए बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। इस तरीके से एक ही दिन 15-20% का मूवमेंट आएगा और एक कंटिन्यू में मूवमेंट आ नहीं रहा है, जब भी नीचे से आया है इसके बाद ही धीरे धीरे करके नीचे आ गया है। तो इसका भी ट्रेंड चल रहा है कि बाइंग आने के बाद कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहा है, तो जब भी बाइंग आएगा 20-25% का, इसके बाद फिर से 20-25% का मूवमेंट या 10% का मूवमेंट आना शुरू हो जाए, फिर इसमें मोमेंटम आएगा, क्योंकि अभी जब भी मूवमेंट आता है इसके बाद रुक जाता है। तो एक दिन के मूवमेंट में इसमें उस दिन बाई नहीं करना है, इसलिए कर रहा हूँ जिस दिन ग्रीन कैंडल बने उस दिन बाई नहीं करना है, रेड कैंडल बने उस दिन बाई करते जाओ, और ये स्टॉक मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है, मेरा इसमें काफी बड़ा होप है। अब देखो क्या पूरा होता है, देखेंगे आने वाले दिनों में फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप नजर रख सकते हैं, चलिए कल एक दो स्टॉक और शेयर करूंगा आप लोगों को मैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में व्यू और लॉजिक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।